हेलो दोस्तों, नेचर हार्वेस्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वीक थ्री के अपडेट से पहले मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्यूकम्बर के पॉलीहाउस के अंदर जो दो टाइप की डिजीज़ आई हैं यहाँ पे, सो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा कि कौन सी दवाई यूज़ करनी होती है। सो पहली जो प्रॉब्लम है वो है खीरे के जो पत्ते हैं वो मुड़ रहे हैं और उनके ऊपर जो येल्लो स्पॉट्स बन रहे हैं उसके ऊपर। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये जो है डाउनी माइल्ड्यू का जो है इफ़ेक्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे। पत्तों का मुड़ना और उनके ऊपर जो है पीले पीले धब्बे बनना, ये सिम्टम्स होते हैं डाउनी माइल्ड्यू के ही। सो इसको सही कराने के लिए मैंने इनके ऊपर एक दवाई का स्प्रे करवाया है। वो स्प्रे अभी मैं आपको क्वांटिटी और नाम जो है वो दोनों अभी बताता हूँ। सो ये पॉलीहाउस की ग्रोथ है अभी तक की, जिनके लगभग लगभग कह सकते हैं हम 20-30% पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। बट पहले ही इसको पता लग गया और इसका हमने जो है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। सो स्प्रे करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अब जो रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी तो स्प्रे किया ही है आज। सो नेक्स्ट जो डिज़ीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो है फंगल इन्फेक्शन। लगता है कि ऐसा फंगल इन्फेक्शन हुआ है टेम्परेचर के ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो होने की वजह से, जिसके अंदर आप जैसा देख सकते हैं कि पत्ते जो हैं क्यूकम्बर के वो किनारों से जो हैं येलो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों डिज़ीज़ के लिए मैंने कौन सी दवाई का स्प्रे करवाया है। तो पहले ये जो डिज़ीज़ मैंने अभी आपको बताई फंगल इन्फेक्शन, उनके इसके लिए मैंने जो है इंडेक्स का ट्रीटमेंट करवाया है स्प्रे के अंदर। 10 ग्राम हर 16 लीटर के हिसाब से 8 टंकी मैंने डाली है इसके अंदर। माइक्लोब्यूटेनिल इसके अंदर है, नागार्जुना कंपनी की। और जो फर्स्ट डिज़ीज़ बताई थी उसके लिए मैंने यूज़ किया है कॉन्फिडोर। ये मैंने यूज़ की है 10 ml हर टंकी के हिसाब से। 16 लीटर की टंकी है स्प्रे की, उसके हिसाब से मैंने इसको स्प्रे करवाया। तो एक दिन कॉन्फिडोर का करवाया है और दूसरे दिन जो है मैंने इंडेक्स का स्प्रे करवाया है। सो रिज़ल्ट मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।